आइए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐ मुसलमानों, खुशियाँ मनाओ क्योंकि गलबे इस्लाम का वक्त आ गया है। हर तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा, हर तरफ अल्लाहु अकबर बोलेंगे लोग, हर तरफ ईसा इब्ने मरियम महदी अलैहिस्सलाम का ही जिक्र करेंगे लोग। समझ में आ रही है बात? आप बोलोगे कि कैसे, क्योंकि ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, दुनिया में मौजूद हैं, काम पे लगे हुए हैं। आप लोगों को ढूंढ के बताना है वो कौन है, किधर है। उसके लिए आपको उलमाए दीन की सपोर्ट लेनी होगी जाके सारे निशानों के साथ, क्योंकि कुरान से हदीस से साबित हो चुका कि ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल हो चुका था, उनका दोबारा जन्म रूहानी था महदी अलैहिस्सलाम के रूप में, जो हो चुका मसीह दज्जाल के खिलाफ। ओके, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हर मुसलमान और हर हिंदू को खुश होने का वक्त आ गया, हर ईसाई को, हर यहूदी को खुश होने का वक्त आ गया, क्योंकि हर मुसलमान अब कहेगा ओम नमः शिवाय। ये सुनते ही मुसलमान एकदम भड़क उठेगा, लेकिन जरा रिलैक्स, इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ है अल्लाह पाक, वेट करो। हर मुसलमान ब्राह्मण है, हर मुसलमान ब्राह्मण हो जाएगा, हर मुसलमान कहेगा ओम नमः शिवाय, हर मुसलमान कहेगा कि जिसने भी, जो भी इंसान है इस दुनिया में, अगर शिव भगवान को न माने और निर्गुणा ब्रह्मा ओम की पूजा ना करे, वो स्वर्ग में दाखिल नहीं होगा। इसको मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ अब आपकी जरा तकलीफ को हटाने के लिए। कंपैरेटिव स्टडीज होना चाहिए आपको। हर इंसान कहेगा महदी अलैहिस्सलाम, क्योंकि ओम नमः शिवाय के माने महदी अलैहिस्सलाम के होते हैं संस्कृत में। अल्लाह अल्लाह कहेगा हर इंसान और हो जाएगा मुसलमान। मुसलमान को कहते हैं शांति में फॉलो करने वाला, निर्गुणा ब्रह्मा की पूजा करने वाला, यानी वो अल्लाह जो नज़र नहीं आता उसकी पूजा करने वाले को कहते हैं ब्राह्मण। यानी हर इंसान हो जाएगा ब्राह्मण, यानी हर इंसान हो जाएगा मुसलमान। फिर नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी नहीं कोई पूजने लायक सिवाय अल्लाह के, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी इसको कहते हैं यकोमकार, निर्गुणा ब्रह्मा, वो एक है, वो एक है, वो एक है। इसको मैंने महदी अलैहिस्सलाम लफ्ज़ को, मैंने अल्लाह के कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के लफ्ज़ को मैंने संस्कृत में बयान किया, तो आप भड़क उठे। अरे भाई, कुरान में हदीस में खुद लिखा है कि ईसा इब्ने मरियम आएंगे, जो कि महदी अलैहिस्सलाम हैं, उनके आने के बाद सब अहले किताब जो है दीन में दाखिल हो जाएंगे, तो वो झूठ है क्या? नऊज़ु बिल्लाह। तो मैं वही कह रहा हूँ, ईसा इब्ने मरियम महदी अलैहिस्सलाम हैं। आपको तहकीक यह करना है, क्या ईसा इब्ने मरियम ही महदी अलैहिस्सलाम है? क्या ईसा इब्ने मरियम महदी अलैहिस्सलाम ही को हिंदू हजरात दत्तात्रेय, लॉर्ड शिवा, नरसिम्हा, वामन अवतार और वराहा अवतार और चन्नबसवेश्वर और कल्की अवतार कहते हैं? क्या है? तो वो अल्लाह के रसूल हैं, वो अल्लाह के नबी नहीं, वो अल्लाह के भेजे गए हुए हैं, है तो फिर बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जिसका इंतज़ार मुसलमान कर रहे हैं सारी दुनिया में, ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार, उसकी पूजा गलती से हिंदू हजरात, इजिप्शियंस और ग्रीस के लोग और तिब्बत के लोग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उतरा हुआ है तस्वीरी ज़बान में, पिक्टोरियल लैंग्वेज में, यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ वेट किया जा रहा है, उतरा हुआ पूजा जा रहा है। देखो, अल्लाह ही को, अल्लाह की फ़ोटो नहीं होती, ओम की भी फ़ोटो नहीं होती, नोट कर लीजिए। अभी लिखते हैं तो ओम अल्लाह का निशान है हिंदुइज्म में, उसी को निर्गुणा ब्रह्मा कहते हैं, यानी जिसकी तस्वीर नहीं है वो ब्रह्मा, जो सारे कायनात का मालिक है, सब कुछ बनाया है, सभी उसी के नूर से निकला है। तो ओम के माने क्या हो गए? अल्लाह के हो गए, यानी अल्लाह का एक सिफत हो गई, ठीक है। अल्लाह के कई नाम हैं, तो अल्लाह ही को संस्कृत में ये लोग ओम निशान दिए हैं, और उसी को यहूदी लोग एलोहिम कहते हैं, और उसी को ईसाई हजरत याहवे कहते हैं, फादर कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो अल्लाह अल्लाह किया जाएगा हर तरफ, यानी ओम ओम किया जाएगा हर तरफ, यानी यहवे एलोहिम एलोहिम किया जाएगा हर तरफ, इसी को राह कहते हैं इजिप्शियंस में।
बात समझ में आ गई? रा, तो रा को देखिए आप, सन गॉड कहा जाता था। तो पहले अल्लाह ताला ने मिसाल दी है सूरज की, अल्लाह नूर समावती वलर्ज, अल्लाह नूर है जमीन आसमान में। तो ज़माने में लोगों को समझाने के लिए सूरज की मिसाल दी गई। बात समझने में आ रही है? जैसे कि सूरज के अतराफ़ पूरे प्लैनेट्स घूमते हैं, वैसे ही अल्लाह के अतराफ़ भी पूरे लोग कायनात जो है ना अल्लाह का तवाफ़ करती है, इसीलिए काबतुल्लाह को देखिए सब तवाफ़ करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया। तो हकीकत में इजिप्शियंस मुशरिक इसीलिए हो गए, वो मिसाल को डायरेक्ट हकीकत समझ गए, इसीलिए सूरज को खुदा समझ गए। सूरज को खुदा का निशान समझना था, खुदा की मखलूक समझना था, वो लोग सूरज को अपना मालिक समझ गए। उनकी मिस्टेक हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि कई लाखों सूरज अल्लाह ताला बना के रखा है इस दुनिया में, तो वो अल्लाह बड़ा, अल्लाह अकबर। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ऐ मुसलमानों, अब हिंदुओं को खुश करने वाली बात मैं कहता हूँ, ऐ हिंदू हजरात, सारी दुनिया में हर इंसान को ओम निर्गुणा ब्रह्मा की पूजा करना होगा उसके बताए हुए तरीके से, और चाहे वो हिंदू हो या ईसाई हो या मूसाई हो या यहूदी हो या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलमान हो मानने वाला, या कोई भी मजहब का हो, बुद्ध मत हो, कोई भी हो, सबको कहना होगा निर्गुणा ब्रह्मा, करना होगा निर्गुणा ब्रह्मा ओम की इबादत उसी के बताए हुए तरीके से, और मानना होगा सबको शिव भगवान को, वरना वो लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। खुश हो मेरे हिंदू भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, खुश होंगे आप, क्योंकि शिव भगवान के चहेते हैं आप लोग, और शिव भगवान को जो ना माना वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये कुरान में लिखा है, ये बाइबल में लिखा है, ये हदीस में लिखा है, ये हर मजहब की किताब में लिखा है। जो शिव भगवान का बुरा सोचेगा, बुरा करेगा, खिलाफ जाएगा, वो होगा नरक का भागीदारी, यानी जहन्नुम का हिस्सेदार। यही बात कुरान हदीस में लिखी है। फ़र्क ये है, लोगों को कंपैरेटिव स्टडीज़ नहीं मालूम, लोगों को इल्म नहीं है, लड़ाई कर रहे हैं जाहिल लोग, मुफ्ती लोग भी आपस में लड़ लेते हैं, लेकिन बाज़ अक्ल वाले मुफ्ती हज़रात भी, उलमा दीन भी हैं। मैंने ये कहा, भाई मुसलमान परेशान मत हो, परेशान मत हो, हर मुसलमान अब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करने वाला है, मगर अरबी ज़बान में करेगा, मगर अरबी ज़बान में करेगा। हर इंसान ओम नमः शिवाय करेगा और निर्गुणा ब्रह्मा की ही पूजा करेगा, मगर अरबी में करेगा, क्योंकि ओम निर्गुणा ब्रह्मा ही ने अरबी में हुक्म दिया है ऐसा करने का। क्योंकि आखिरी ऋषि, यानी ऋषि मतलब जो सृष्टि, जो श्रुति सुनते हैं यानी वही सुनते हैं, श्रुति के माने वही, ऋषि के माने जो सुनते हैं यानी नबी। तो आखिरी ऋषि यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओम निर्गुणा ब्रह्मा ही ने, यानी अल्लाह ही ने बताया है कि अरबी में नमाज पढ़ना, यानी सलाह करना, यानी योग से मुराद है अल्लाह से मिलना। अब योग के अलग अलग माने लोग कर रहे हैं, वो छोड़ दो, मतलब ये है कि अल्लाह से मिलना। नमाज मोमिन की मेराज है, सलाह मोमिन की मेराज है, यानी अल्लाह से मिलता है वो, अल्लाह ताला के सामने ठहरता है, इबादत करता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हर इंसान अब कहेगा ओम नमः शिवाय, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में हूँ भाई, मैं हिंदू भाइयों को मैं छोड़ नहीं सकता, हिंदू भाइयों को मैं गुमराही में नहीं देख सकता, हिंदू भाइयों को जो है ना मैं निगलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे पड़ोसी हैं, और पड़ोसी का हक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, कुरान हदीस से साबित है। और पड़ोसियों को भी समझाना मुझे लाजिम है, क्योंकि मैं यहीं पर आया हूँ। समझ में आ रही? एक आम मुसलमान की हैसियत से, मोहम्मद अब्दुल्ला अहमद की हैसियत से बात कर रहा हूँ एज ए मददगार, तो मैं इनको भी समझाना मेरा काम है ना भाई, फिर पड़ोसियों को मैं कैसे छोड़ूं। हर मुसलमान कहेगा, हर हिंदू कहेगा, हर ईसाई कहेगा, हर बुद्ध मत वाला कहेगा, हर कौम वाला कहेगा, हर पारसी कहेगा ओम नमः शिवाय इंशाल्लाह। जितने अहले किताब हैं, किताब को फॉलो करते हैं, मजहबी हैं, वो सब कहेंगे ओम नमः शिवाय, और सब कहेंगे निर्गुणा ब्रह्मा ओम ही की इबादत कर, वही सबका मालिक है, वही ब्रह्म है सबका बड़ा, वही ब्रह्मान है, यानी सब कुछ उसी में है, सब कुछ उसी से आया है। सब इंसान कहेंगे, सब मुसलमान भी ये कहेंगे, मगर अरबी जबान में। अब अरबी जबान में क्या बोलेंगे, देखिए ये बात, मेहदी अलैहिस्सलाम, यानी सलाम हो मेहदी पर, और फिर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह,
मतलब नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के यानी निर्गुणा ब्रह्मा के यानी ओम के यानी याहवे के। भगवान के माने हैं भग से जो पैदा होता है रसूल, जिसके अंदर अवतरित होती है यानी उतरती है नाजिल होती है रूल, रूह अल्लाह की खास, तो वो भगवान पैदा होता है भग से, माँ के अपने यानी पेट से। जैसे संभोग लफ्ज़ है, जैसे भोजन लफ्ज़ है हिंदी में, आपको मालूम नहीं है, तो जो पेट से पैदा होता है माँ के अवतार रूह अल्लाह की खास, वो यानी अल्लाह का इनकारनेशन कहते हैं उसको। इसका मतलब ये नहीं कि सारा अल्लाह एक बच्चे में आ गया, इसका मतलब अल्लाह की रूह, तो अल्लाह का इनकारनेशन यानी इनकारनेशन ऑफ अल्लाह कह सकते हैं इसको, लेकिन रूहानी तौर पर पूरा अल्लाह तो अल्लाह तो अल्लाह ही है। अल्लाह की रूह, जिसे रूह उससे पैदा किया गया वो भगवान यानी रसूल, जो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं अती अल्लाह और अती रसूल, यानी अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। और ईसा इब्ने मरियम जो महदी अलैहिस्सलाम बन के आने वाले हैं, मुसलमान उनको नबी भी कह रहे हैं, रसूल भी कह रहे हैं, दोबारा जन्म में नहीं, नहीं वो सिर्फ रसूल हैं यानी खासिद भेजे गए हुए हैं, यानी भगवान है यानी अवतार भगवान ईसा मसीह आएंगे तो उनकी बैत सबको लाजिम है, नहीं तो कोई स्वर्ग में नहीं जा पाएगा यानी जन्नत में नहीं जा पाएगा। ये मैं नहीं, कुरान हदीस कह रहा है। कुरान हदीस कहता है कि जो भी ईसा इब्ने मरियम महदी अलैहिस्सलाम की बैत ना करे वो जहालत की मौत मरेगा, चाहे वो कोई भी हो। लिहाजा मैं ये कह रहा हूँ, सारी कुरान हदीस बयान करती है, हुक्म देती है शिव भगवान को फॉलो करने के लिए, जो नहीं करेगा वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये मेरा नहीं, अल्लाह का ऐलान है यानी निर्गुणा ब्रह्मा यानी ओम यानी याहवे का ऐलान है, मगर अरबी जबान को कबूल करना होगा सबको। तो भाइयों हिंदुओं, मेरे भाइयों, मैंने जब संस्कृत में आपको समझाया है तो आपको बुरा लगा कि अरबी जबान से कोई बैर है क्या, जबकि अरबी जबान के अंदर संस्कृत भी है, हिब्रू भी है, अलग अलग जबानें मौजूद हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ, अरब अरवा स्थान, स्थान है संस्कृत लफ्ज़, अरवा है घोड़े को कहते हैं, अरवा स्थान को बना दिया गया अरबस्तान, जो कि संस्कृत लफ्ज़ है। अभी समझ में आ गई कि संस्कृत, अरबी जबान में संस्कृत भी है, अरबी जबान में हर किस्म के कुछ ना कुछ जबानें मौजूद है, तो अरबी जबान बहुत बड़ी मिठाई है, रबड़ी है सारे मिठाइयों की। तो हिंदू हजरात को तो खुश होना चाहिए कि अरबी जबान बोले जाती है आसमानों में अल्लाह के पास, फरिश्तों के पास, उसका ट्रांसलेशंस थोड़ा थोड़ा अल्लाह ताला देते आया है, आखिरी में अरबी जबान पर लेकर आया है सबको। तो ये अरबी जबान में आपको बैर नहीं होना चाहिए, अगर बैर करोगे तो आप अपने आप से बैर कर रहे हो। मैं तो रोशनी की तरह आपको समझा रहा हूँ, सच हो तो कबूल करो, झूठ है तो इनकार कर दो। ए हिंदू भाइयों, सारे मुसलमान कहेंगे अब ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय के मीनिंग क्या है? ओम मतलब अल्लाह का सिंबल, ओम नमः मतलब झुकना, मतलब उतरना, झुकना, शिवाय मतलब ओम, ओम शिवा पर, मतलब अल्लाह का सलाम हो शिवा पर। और शिवा ही महदी यानी मुबारक, मुबारक के माने शिवा के, मुबारक ईसा मसीह महदी अलैहि सलाम को मुबारक कहा गया है, यानी एक एट्रीब्यूट है, कई सिफते हैं ईसा मसीह महदी अलैहि सलाम के। तो सलामती हो अल्लाह की महदी अलैहि सलाम पर कहना लाजिम है सारे मुसलमानों को, मगर आपको संस्कृत में समझाया, आप अरबी में बोलना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ ठीक है कि नहीं है? सारी दुनिया में अब राम राज्य हो जाएगा, क्योंकि राम ही दोबारा जन्म लिए कृष्ण बन के, कृष्ण ही दोबारा जन्म लिए बुद्धा बन के, बुद्धा ही दोबारा जन्म लिए ईसा इब्ने मरियम बन के, ईसा इब्ने मरियम ही फिर दोबारा जन्म लिए महदी अलैहिस्सलाम बनकर। तो ये बार बार जन्म होता रहा है, अल्लाह की तरफ से साबित है। इस री इनकारनेशन का जिक्र शिया हजरात के पास रजत के शक्ल में मौजूद है, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक शुदा कौम है वो भी। मेरी बात समझ में आ गई? री इनकारनेशन का जिक्र, रूहानी री इनकारनेशन एक है और जिस्मानी रूहानी एक फाइनल है, जो कि जजमेंट डे के महाप्रलय यानी क़यामत के बाद होने वाला है, नोट करिए। तो री इनकारनेशन का जिक्र हिंदुओं के पास मौजूद है, स्पिरिचुअल री इनकारनेशन। फिर
बाइबल में भी मौजूद है और कुरान हदीस में भी मौजूद है और साबित भी यही हुआ है। तो ऐ मुसलमानों, क्या आपको कोई एतराज़ है? मैंने कहा कि सारे मुसलमान अब कहेंगे ओम नमः शिवाय और कहेंगे निर्गुणा ब्रह्मा, ओम ही की इबादत की जाए और किसी की नहीं, तो क्या गलत है? तो फिर कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, यानी निर्गुणा ब्रह्मा यानी ओम यानी याहवे यानी एलोहिम बड़ा है, वही जो सच्चा मालिक है सबका एक, वही बड़ा है, उसी की इबादत आप हम मिलकर करेंगे। मगर अरबी जबान में, अरबी जबान क्यों? क्योंकि इसमें संस्कृत भी है, ये सबसे बड़ी रबड़ी है। रबड़ी मतलब कई मिठाइयों को मिलाकर एक मिठाई बना दी जाती है। इसमें सब कुछ है, इसमें हिब्रानी है, इसमें अरामिक है, इसमें संस्कृत है, इसमें वगैरह 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 सारी दुनिया की लैंग्वेजेस का जम है। अर्थ 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 यानी ज़मीन, हाँ ये लफ्ज़ निकला कहाँ से है? अगर आप गौर करें, अर्ज अलीफ रे जोए, अर्ज अरबी के लफ्ज हैं, अर्ज जमीन, उसको अर्थ अर्थ कर दिया गया ई ए आर टी एच। उसी तरीके से टैमरिंड लफ्ज कहां से निकला? टैमर तमर हिंद, तमर कहते हैं खजूर को, हिंद, तमर हिंद को इंग्लिश में टैमरिंड कर दिया गया, यानी हिंदुस्तान की जो इमली है उसको तमरे हिंद कहा गया। समझ में आ रही बात? यानी तमरे हिंद, हिंदुस्तान की खजूर, उसको इंग्लिश में टैमरिंड कर दिया गया। उसी तरीके से कई ऐसे अल्फाज हैं जो लोगों को मालूम नहीं है, सबको अपनी जबान प्यारी है। अल्लाहु अकबर। यौम, यौम लफ्ज है इब्रानी, लेकिन मिलेंगे आपको अरबी में। उसी तरीके से कई ऐसे लफ्ज़ हैं जिसका मुरक्कब है अरबी। तो क्या मुसलमान आप लोग नहीं बनना चाहोगे? पक्के ब्राह्मण यानी पक्के मुसलमान, तो सारी दुनिया मुसलमान होगी, ये हदीस में कुरान में लिखा हुआ है, सारे अहले किताब भी मुसलमान होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईसा इब्न मरियम जो आने वाली एक ही शख्सियत है जो कि महदी अलैहिस्सलाम है, क्या वही शिव भगवान है हिंदू की? क्या वही दत्तात्रेय है? क्या वही नरसिम्हा लॉयन मैन है? क्या वही जो है कल्कि अवतार है, सेकंड कल्कि अवतार? दो कल्कि अवतारों का जिक्र था, कंफ्यूजन हमें आ गए हैं लोग, एक क्लीन शेप कल्कि अवतार भी था दुनिया ख़त्म होने से पहले जो आने वाला था, जो कोका विकोका को खात्मा करेगा, यानी टू बीस्ट यानी दो शैतानी सिंह, यानी मसीह दज्जाल के इसमें जिक्र है। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या यही ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम जो मुसलमान जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, यहूदी जिसका इंतज़ार कर रहे हैं मसीहा के नाम से, क्या ईसाई जिसका इंतज़ार कर रहे हैं जीसस सेकंड कमिंग कहकर, क्या यही शख्स शिव भगवान है? क्या यही शख्स दत्तात्रेय, कल्कि अवतार, अमेरा को बंसु, जेसर खान, अहुरा माजदा, सेवशांत अहुरा माजदा, और ज्यूस और ओसिरिस और मेरा को बंसु और जेसर खान, क्या यही शख्स है? अगर यही शख्स है तो फिर इसका पता, इसका मतलब ये है कि हर कौम में ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के दोबारा जन्म का जिक्र मौजूद है। हाँ, तो वो आना है मुसलमानों में। हाँ, तो मुसलमान में जब आ गया तो फिर इन लोगों को इन्विटेशन तो दिया जाना चाहिए ना इनकी ज़बान में, वही दिया जा रहा है। मैं एक आम बंदा मुसलमान, मोहम्मद अहमद अब्दुल्ला, अच्छा लगा ना आपको? अगर मेरी बात कुरान हदीस से साबित होती है तो कबूल करो, नहीं तो भाई छोड़ दो मुझे, मैं तो हूँ पागल। पागल को क्या करते, छोड़ दो भाई, ज़बरदस्ती के लोग पागल बना के रखे तो पागल ही सही। गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट करवाया, ठीक है, पागल ही सही। पागल मैं या पागल तुम, ये तो कुरान हदीस डिसाइड करेगी। समझ में आ रही है बात? लिहाजा अल्लाहु अकबर, अभी बात समझ में आ गई। कहो ऐ मुसलमानों ओम नमः शिवाय, कहो निर्गुणा ब्रह्मा ही एक है, उसी की इबादत की जाए, और आखिरी ऋषि मोहम्मद है कहो, मगर अरबी में कहो, कहो मेहदी अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो मोहम्मद रसूलल्लाह। हो गया झगड़ा ख़त्म।
अगर मोहम्मद रसूल अल्लाह के माने आप अगर संस्कृत में कर लें हकीकत में, तो इसके माने हैं मोहम्मद अल्लाह के भगवान हैं, मोहम्मद अल्लाह के भगवान अवतार हैं। समझ में आ रही बात? ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब नहीं कोई पूजने लायक सिवाय निर्गुणा ब्रह्मा के जो नज़र नहीं आता, यानी ओम के। सिंपल सी बात है भाई, झगड़ा ख़त्म करो, ट्रांसलेशन को समझो सही तरीके से। हिंदू भी भाई हैं, मुसलमान भी भाई हैं, यहूदी भी भाई है, ईसाई भी भाई हैं, बुद्ध मत भी भाई हैं, ईसा हर कौम वाले भाई भाई हैं, क्योंकि ये सब के सब आए हैं एक ही माँ बाप से, लेकिन अकीदा अलग अलग हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए कन्फ्यूजन्स की वजह से। अब सारे कन्फ्यूजन्स ख़त्म होने का वक्त आ गया। कहो अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह। सारे हिंदुओं को भी खुश होना चाहिए इस बात पर, सारे ईसाइयों को, सारे हिंदूस को, मुसलमानों को, सबको। और ग़लबे इस्लाम का वक्त आ गया भाई। राम राज्य मतलब ब्लिसफुल किंगडम, यानी राम के माने ब्लिसफुल यानी खुशहाली का किंगडम, अयोध्या मतलब बग़ैर हथियार का, और ये इसके माने इस्लामिक किंगडम के, यही माने हेवनली किंगडम के, यानी सारी दुनिया में अमन जब मजहबी हो जाएगा, हर कौम में पता ही चलेगा कि हम भाई भाई हैं, तो हमारे पास एक कपड़ा है तो उसके पास भी दूसरा कपड़ा होना चाहिए कम से कम, हमारे पास दो कपड़े हैं तो उसके पास तो एक होना चाहिए, हमारे पास दो घर है तो कम से कम मेरे भाई के पास एक तो होना चाहिए। सारे इकोनॉमिक स्टेटस, इक्वल स्टेटस का डिवीज़न होगा, हर आदमी खुश खुश रहेगा, हर आदमी अल्लाह की इबादत करेगा, कोई मज़हबी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर झगड़े मज़हबी होते हैं, तो झगड़े होंगे नहीं। हर कोई समझेगा कि अगर मैं अटैक करूं मेरे भाई पर तो मैं अपने भाई की जान कैसे लूं, भाई मैं जहन्नुम में चले जाऊंगा हमेशा, क्योंकि अल्लाह ताला सच्चा है, अल्लाह के वादे सच्चे हुए हैं, ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आ गए हैं, मसीह दज्जाल आ गया है, दावत-उल-उलस निकल गया है, अल्लाह के वादे पूरे हो रहे हैं, तो वादा खुरबे क़यामत के पूरे होने के बाद अल्लाह ताला जहन्नुम भी ज़ाहिर करेगा, जन्नत भी ज़ाहिर करेगा, फिर क़यामत भी ढाने वाला है उससे पहले, तो भाई अल्लाह ताला से तो हम खिलाफ बगावत नहीं कर सकते, अपने आप बुरा नहीं कर सकते, हम जहन्नुम में नहीं जा सकते, ये कहेंगे सब। आप खुश हो, अरे मुसलमानों आ जाओ आ जाओ। ये है मलहमत कुबरा, जिहाद अकबर, यानी सबसे बड़ा जहाद है जिसमें सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, इसमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं, खून रेजी नहीं होगी। सारे जो हथियारों का इस्तेमाल स्वॉर्ड्स का आया वो ज़बानी स्वॉर्ड्स हैं, ज़बानी फितनों के ज़माने की सबसे बदतरीन हथियार ज़बान। ये हदीस में भी आया है, तौरात इंजील ज़बूर में भी आया है कि ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आकर ज़बान से अपनी लड़ाई लड़ेंगे, सारी दुनिया पे फतेह हासिल कर लेंगे। तो आपको ढूंढ के बताना है कि ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं इस वक्त। अल्लाहु अकबर। मुझे मालूम है कि काम पर लगे हुए हैं और अल्लाह के काम पर हैं, अल्लाह की रहमतों के साथ, बरकतों के साथ, जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है वो सीन से लिखे हुए वो वैसे काम कर रहे हैं। आए उलमाए दीन, आपको ढूंढ के बताना है वो कहाँ है। मैं एक बंदा मोहम्मद अब्दुल्ला अहमद, अल्लाहु अकबर, एक आम इंसान की हैसियत से काम कर रहा हूँ। आपको कोई शक कोई बुरा लग रहा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई। अल्लाहु अकबर।